हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को जय श्री कृष्ण राधे राधे। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जन्माष्टमी वाली पड़िया की रेसिपी। तो बहुत इजी है इन्हें बनाना। तो ले लिया मैंने एक कटोरी छना हुआ मैदा और आधा कटोरी गेहूं का आटा। तो दोनों को मिक्स कर लेना है पहले अच्छे से। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड आखिर तक के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो देखिए, इसमें मैंने जो सेंधा नमक होता है वो पास वाला, वो थोड़ा सा नमक डाला है। अगर आपको नमक नहीं डालना है तो आप नहीं भी डालें। थोड़ा सा घी मोइन के लिए लगाए। तो फ्रेंड एक बात ध्यान रखें, इसमें घी जो है बहुत ही कम मोन लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप कि घी का मोन कम से कम लगाएं इसमें बहुत। तो इस तरीके से घी लगाकर अच्छे से आटे को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से गूंथ लेना है आटा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और आटा का अच्छा सख्त सा डो लगाना है, थोड़ा सा कड़ा, ताकि जो पपड़ी है हमारी वो अच्छे से बिल जाए। तो फ्रेंड ये जो रेसिपी बता रही हूँ, जन्माष्टमी पड़िया की प्रिपरेशन चल रही है मेरी। तो जन्माष्टमी में अपन हलवा, पंजीरी, पपड़िया, गुड़ के लड्डू, पंचामृत वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते हैं फ्रेंड्स। तो कुछ प्रिपरेशन मैंने कहा चलो आपसे रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना वीडियो में, एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से फ्रेंड आटे को अच्छे से गूंथ लेना है हमें। जैसे ही हमारा देख सकते हैं आप आटा गूंथ गया है, तो इसे रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा मैंने ऐसा घी लगा दिया है या ऑयल कुछ भी, इसे सेट होने के लिए अच्छा था, ताकि इसमें पपड़ी ना पड़े। इसे सेट करके और ढक के रख दिया था 15 मिनट के लिए। देख सकते हैं फ्रेंड आटा मैंने थोड़ा सा कड़ा ही गूंथा है और इसे ढक करके रख दिया है 15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं 15 मिनट के बाद मैं आपको बता सकती हूँ आटा जो है बढ़िया से सेट हो गया, अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसे और अच्छे से मसल कर मैं बनाऊँगी इसकी लोई छोटी छोटी। तो ये जो पपड़ी बहुत ही छोटी छोटी सी पपड़ी होती है, ये लोई भी छोटी बनाना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से एक लोई तोड़ करके हाथ से ऐसा लंबा आकार में कर लिया था, और इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ ली हैं इस तरीके से। लोइयाँ काटने के बाद मैंने अच्छे से गोल गोल बना लिया है। बस इस तरीके से बहुत ही आसान है बनाना है इन्हें, देख सकते हैं आप। चलिए इन्हें बेलना स्टार्ट कर लेते हैं। और कढ़ाई जो है वो मैंने धीमी आंच पर चढ़ा दी है गैस में ऑयल डालकर। तो जब तक कढ़ाई हमारी गर्म होगी तब तक हमारी पपड़ियाँ भी बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। तो बस इस तरीके से बेल लेनी है आपको सारी पपड़ियाँ। तो फ्रेंड मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो देखते पर प्लीज़ आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं और ना कमेंट करते फ्रेंड। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी, प्लीज़ कि मेरे वीडियो पे कमेंट और एक लाइक प्लीज़ कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं जिस तरीके से पपड़ियाँ जो है मैंने बेल ली है। तो चलिए अब देर ना करते हुए फटाफट पपड़ियाँ को सेक लेते हैं सारी पपड़ी।
तो ऑयल भी गर्म हो गया है। तो ऑयल में जितनी भी जगह है 3-4 पपड़ी हम डाल देंगे एक साथ सेकने की, छोटी छोटी ही है ये, आराम से 4-5 पपड़ियाँ सेक सकते हैं एक बार में। तो बस इस तरीके दबाते हुए बढ़िया से थोड़ा क्रिस्पी होने तक के सेक लेना है पपड़िया को। तो फ्रेंड मैंने इसमें एक कटोरी मैदा लिया था और आधी कटोरी गेहूं का आटा, अगर आप चाहें तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, या आपको मैदा मैदा की ही बनाए तो आप उसकी भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड बस इस तरीके से ही सेकते जाना पपड़े हैं, आपको बहुत ईजी है और बहुत जल्दी से, क्योंकि पतली पतली रहती है बहुत जल्दी ही सीख जाती है, एकदम क्रिस्पी भी हो जाती है। तो बस ऐसे ही सेकते हुए अच्छे से दोनों साइड चलाते हुए और हमें सेक लेना है। और बस ज़्यादा नहीं, लाल नहीं सेकना है, अच्छे से इनका ऑयल निकल जाए इसे सेक करके। तो देख सकते हैं सारी पपड़ी जो है मैंने सेक ली, पेपर लगाया था ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो एब्जॉर्ब कर ले पेपर, तो इसे मैंने पेपर लगा दिया था। तो फिर पपड़ी बन के एकदम तैयार हो गई है, बहुत क्रिस्पी बनी है ये। तो अभी तो मैंने इन्हें अच्छे से बनाने के बाद ठंडे होने के बाद इन्हें एक पॉलीथीन में पैक करके रख दिया ताकि सीते नहीं, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा बारिश का तो बहुत जल्दी सामान जो है सीत जाता है और नरम पड़ जाता है। तो इन्हें मैंने अच्छे से ठंडे होने के बाद प्लास्टिक वाले बैग में पैक करके अच्छे से रख दिया है। तो फिर देख सकते हैं मैंने आपको दिखा दी सारी कपड़ी, सिक भी गई है और बन के तैयार हो गई है। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बहुत जल्द मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक टेक केयर फ्रेंड्स, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो मैं आपको पंजीरी बनाई, मैंने उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो ये दोनों डिश मैंने आज ही बनाई है अभी। टेक केयर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।